पंचर होती है, नई ट्यूब डलवाता हूँ मैं, पंचर होती है तो आप क्या बहुत दिल में पेट्रोल होना चाहिए। अभी नहीं देते पापा, मैंने सिर्फ दो दफा लिया बस। सारे बच्चे सो रहे, ट्यूशन तो फिजिकल रहता है ना। देखो टीचर है सिलसिला वार से वाले सारा पाठ पढ़ते रहते हैं, हम मत लिखता है मेरे माथे पे अंडा लिखता है। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। अच्छा, मैंने ये स्क्रीन शेयर कराई थी मैंने, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कराता हूँ। स्क्रीन शेयर हो गई आपके पास? यस अब सर। देखें, मुझे पता है कि मेरे पास ए टू जी जो है कितने करेक्टर्स होते हैं, मेरे पास 26 करेक्टर्स होते हैं मेरे पास ना। तो ये ऊपर की लाइनें तो सारी सब वही हैं जो हमेशा से हम लिखते आ रहे हैं मेन प्रॉक तक। उसके बाद मैंने मूव क्या कराया, सी एक्स के अंदर मैंने करा दिया काउंटर के अंदर, कितना लूप लगाना है 26 तक चलाना है आपने, 26 करेक्टर्स तक, 26 तक आपने काउंटिंग करनी है आपने ना। वो कह रहा है फिर मूव ए एच कराया 0 to h, सिंगल करेक्टर हमने बोल दिया सिंगल करेक्टर आएगा, ये वही बात हो गई। मूव डी एल के अंदर क्या डाला मैंने, एस की कोड डाला है, ये क्या है 65। 65 किसका कोड होता है मेरे पास, कैपिटल ए का कोड होता है मेरे पास 65। ये मैंने 65 यहाँ पे कोड मैंने डीएल के अंदर डाल दिया, बाकी मेरा पूरा सारी सब चीजें वही है। मैंने प्रिंट का वही लेबल यूज किया है, मैंने यहाँ पे इनिट 21h लिया है, इंक्रीमेंट करवाया मैंने एक लाइन, ये नई आई है यहाँ पे, इंक्रीमेंट करवाया मैंने डीएल के अंदर कि डीएल में इंक्रीमेंट करते रहो। डीएल में क्या पड़ा मेरे पास 65, 65 के बाद क्या आ रहा है 66, 67, 68, 69, ये कोड में इंक्रीमेंट होता रहेगा। और कब तक होता जाएगा, जब तक के 26 नहीं हो जाए, तो 0 से स्टार्ट होगा 25 तक जाएगा, ये टोटल 26 तक की काउंटिंग करेगा ये। फिर मैंने मूव ए एच कॉमा सी एच किया मैंने यहाँ पे, ये मेरे पास जो एग्जिट करने के लिए होता है ये वो है। अब मैं इसको जो है वो रन कर रहा हूँ, मैं इसको यहाँ से ये मैंने इसको रन किया, न्यू शेयर करूं मैं, ये आ गया मेरे पास, ये देखें स्क्रीन शेयर हुई आपके पास। देखें ए से लेके जेड तक उसने पूरी मुझे लिख के बता दिया, ठीक है। सही है सर। ठीक है, अब इसी तरह से जो है काउंटिंग का मैं एक आपको करवा देता हूं कि काउंटिंग किस तरह से करनी है। जीरो से लेके
नाइन तक की काउंटिंग करनी है। उसके अंदर एक टास्क दिया हुआ है आपको कि आप जीरो से लेके नाइन तक की काउंटिंग करें आप ना। वो मैं आपको बता देता हूँ मैं कि वो किस तरह से करेगा जीरो से लेके नाइन तक की काउंटिंग। ये मैंने जीरो से लेके नाइन तक का कोड जो है ये मैंने लिखा है यहाँ पे। अच्छा ये मैं कोड चले आपके साथ शेयर कर लूंगा, मैं ए टू जी वाला शेयर कर लूंगा और जीरो से नाइन वाला भी शेयर कर लूंगा, ताकि इसको देखते हुए जो है आप दूसरे टास्क जो इसके अंदर दिए हुए हैं आप उनको आप कंप्लीट कर लेगा। ये माइक जिसका खुला हुआ बंद कर ले प्लीज। अच्छा ये वही मेन प्रॉक तक जो है वो हमारे पास वही है। अब हमने क्या करना है इस प्रोग्राम में, हम करने जा रहे हैं जीरो से लेके नाइन तक की काउंटिंग, वो हमने प्रिंट करवानी है। हमने मूव करवाया हमने सी एक्स के अंदर जो है हमने 10 हमने डाल दिया हमने कि 10 तक की काउंटिंग हमारे जीरो से लेके नाइन जो है वो हमारे पास 10 हमारे पास वो हो जाएंगे 10 हमने यहाँ पे काउंट करने हैं। इसके अंदर 2 है सिंगल करेक्टर हमने डाल दिया। अब हमारे पास जो स्टार्टिंग है जीरो जो है जीरो का कोड हमारे पास क्या है वो होता है 48 हमारे पास। ये प्रिंट हमने प्रिंट टेबल हमने यूज किया, इंटर 21 एच हमने कॉल किया, इंक्रीमेंट कराया हमने डीएल के अंदर। फिर उसके बाद आप यहाँ से डॉस से एग्जिट हो जाएंगे, इंटर 21 एच कॉल किया, एंड किया हमने मेन प्रोग्राम से और फिर मेन से एंड हो गया हम। तो ये आपके पास इसका जीरो से लेके नाइन तक जो आपने प्रिंट करवाना है ये उसका कोड है ये। अब ये देखो ये मैंने इसको रन किया, ये आपके पास आ गया, ये मैं आपको शेयर करा के दिखाता हूँ आउटपुट स्क्रीन, ये आपके पास आ। आया ना था जीरो से ले, आई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई बात पूछनी है तो पूछ ले। सर ये अब जब इसको रिवर्स कर रहे होंगे तो फिर हम इंक्रीमेंट की जगह डिक्रीमेंट यूज करेंगे, तो वो किस तरह लिखेंगे डीएल में? बताइए भाई सर आपकी आवाज कट रही है। मैं पूछ रहा हूँ, कोई क्यूरी है तो बताइए, कोई बात पूछनी है, कोई चीज समझ में नहीं आई तो। सर एक सवाल है इसका, अगर हम डिक्रीमेंट जब हम रिवर्स कर रहे होंगे तो डिक्रीमेंट यूज करेंगे तो वो कैसे लिखेंगे हाँ सर डीएल में? वो इंक्रीमेंट जैसे आपने लिखा है ना, आपने INC लिखा है ना, उसके आप DEC लिखेंगे डिक्रीमेंट। ठीक है बिल्कुल सर, सब चीजें ऐसी रहेंगी आपकी, वो डिक्रीमेंट INC की जगह जो है DEC आ जाएगा डिक्रीमेंट के लिए। सही है। तो ठीक है, सर क्लियर है जो सबको? अब बाकी के टास्क अब आप कर सकते हैं। जी बोलिए, बोले कौन बात कर रहा था? सर वो प्रिंट कोई के कुछ साथ बोल, आपने बताया था ना कि कॉलन लगा हुआ, वो लेबल है, लेबल वाली लाइन सर रिपीट करिएगा। मैंने बताया था कि लोड ये लेबल है। है नहीं वालों का कौन बोल? एक्टिंग देख सर, वॉइस ओवर वगैरह वॉइस क्यों कटा हो गया? ये पवन का हाँ ना माइक अभी म्यूट आपका करो अरीशा। ना जवाब भाई है, एक्टर स्किल भली है यहीं। सर अरीशा CR बेटा, आप खुद ही एक्टिव रहा करो ना, ये दूसरों के जब फालतू के माइक खुले हो करें वो बंद कर दिया करो, जो कोई बात पूछ रहा थे वो उसका खुला रहने दिया करो। मैं ये कह रहा था कि लेबल जो है ये हमारे पास किस तरह पता चलता है, जब हम ये दो कॉलन जो लगाते हैं ये हमारे पास लेबल की पहचान है कि ये लेबल है ये ना, कॉलन लगा हुआ। अब लेबल का नाम कुछ भी हो सकता है, यहाँ मैंने प्रिंट लिखा है, आप अपना नाम लिख दें, आपका नाम अहमद है आप अहमद लिख दें, आपका नाम एहतशाम है आप एहतशाम लिख दें, आपका नाम अब्दुल राफे है आप अब्दुल राफे लिख दें यहाँ पे। तो वो लेबल का नाम कुछ भी हो सकता है,
और लेबल क्या करता है, स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर जाके जहाँ पे वो जो है कंट्रोल को ट्रांसफर करता है वहाँ पे, ये लेबल का फंक्शन होता है वहाँ पे। ठीक है, ओके सर। ये प्रिंट का हमने लेबल यूज किया है। तो बाकी उसके नीचे जो है, अब आपके पास और टास्क दिए हुए हैं आपके पास, मैंने इसमें से आपको दो टास्क तो मैंने आपको करवा दिए, अब कैपिटल ए टू जी करवा दिया, अब आप डिक्रीमेंट करवा लेंगे, जेड टू ए आप प्रिंट करवा लें, आप जेड से स्टार्ट करें, जेड का एस्की कोड लिखें और डिक्रीमेंट उसके ऊपर वो करवा लें, उल्टा आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह आप स्मॉल ए टू जी आप कोड मालूम करें, आप देखें क्या होता है, एस्की कोड आप सर्च करें तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा स्मॉल ए का आपके पास क्या होता है, तो आप वो वहाँ पे लिख के आप स्मॉल ए टू जी पे इसी तरह उसका रिवर्स कर लेंगे आप। 0 to 9 मैंने आपको करवा दिया, आप 9 to 0 आप कर लिएगा अब आप। ठीक है, राइट अ सर ये जीरो प्रोग्राम टू टू नाइन प्रिंट का कोड एस्की दिखा रहे हैं, करेक्टर्स, मैं अभी शेयर कर लूंगा, मैं भेज दूंगा, मैं गूगल अभी पे मिल जाए। मैं भेज दूंगा मैं अभी ना। अच्छा, फिर उसके बाद आपने प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर तमाम एस्की करेक्टर्स जो हैं वो प्रिंट हो जाएं। तो आपने एस्की करेक्टर्स की एक रेंज है 0 से लेके 227 है मेरे ख्याल में, तो आपके पास जो है वो तमाम एस्की करेक्टर्स जो हैं उसके अंदर प्रिंट हो जाएंगे। आप उतनी लिमिट दे देंगे वहां से वहां तक की रेंज और लूप चला देंगे तो सारे सब प्रिंट हो जाएंगे एस्की करेक्टर्स आपके पास ना। अच्छा, फिर उसके बाद कह रहा है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम 10 टाइम्स, अपना नाम आपने 10 टाइम्स लिखना है और लाइन चेंज होती रहे हर उसके बाद, एक दफा आपका नाम आया फिर लाइन चेंज हो, फिर दूसरी दफा आपका नाम आया, तीसरी दफा आया, फिर चौथी दफा आया, इस तरह 10 टाइम्स लिखना है। ठीक है, सही है सर, ठीक कोई है सर, प्रॉब्लम तो ठीक नहीं है? ठीक है, हम यहाँ पे इसको एंड करते हैं स्लैब को, और मैं ये कोड जो है आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, मैं ना वहाँ सीआर को भेज देता हूँ, वो आपके साथ शेयर कर लेंगी। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सो मच। चलें, थैंक यू सो मच, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।